राजधानी देहरादून में जमीनों के फर्जीवाड़े के मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन जिला अधिकारी सोनिका को जमीनी फर्जीवाड़े से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही है। खासतौर पर विवादित भूमि की शिकायतें जिला अधिकारी को संज्ञान में आती रहती है। शिकायतों के आधार पर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देहरादून में भूमाफियाओं को रोकने में प्रशासन फिलहाल नाकाम साबित हुआ है। हालांकि जिला अधिकारी का कहना जरूर है कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर कब तक प्रशासन इन का काम करेगा। बताया कि पहले से ही लैंड में दो तीन कैटेगरी हैं, या अलग अलग तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो जो हो गया फर्जीवाड़ा हो, वो तो एक अलग जांच हमारी चल रही है। इसके अलावा इन पर्सोनिफिकेशन की आती है कि लैंड किसी और की, किसी और ने आके यहाँ पे रजिस्ट्री करा दी, जिसे आज एक शिकायत इसकी आई थी। ये हो गया इन पर्सोनिफिकेशन का। एक हो गया कि किसी ने लैंड दे दी लेकिन वहाँ पर लैंड है ही नहीं, उसका कब्जा नहीं है। अब वो कब्जा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं कि कहाँ हमारी लैंड है। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन सब में कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा है कि किस तरह से लैंड बेची गई और फिर कब्जा क्यों नहीं मिला करके। तो हम अलग अलग तरह से अपने SDM और हमारे तहसील ऑफिसर और रजिस्ट्रार ऑफिसर उनको देखता है और कोशिश करता है कि मैक्सिमम जो सहूलियत है लोगों को मिले।